महादेव ऑनलाइन सट्टा का कारोबार करने वाले पर दुर्ग पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पूरे मामले में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले एक बड़े जालसाज आम्रपाली निसामुद्दीन को गिरफ्तार किया है। निसामुद्दीन ने कई लोगों को धोखे में रखकर उनके खाते खुलवाए और उन खातों का इस्तेमाल महादेव बुक के लिए किया करता था। सबसे खास बात तो यह है कि आरोपी निसामुद्दीन की पत्नी के खाते में 6 करोड़ का बैलेंस मिला है। बताया जा रहा है कि आरोपी दवाई दुकान की आड़ में बीते 1 साल से फर्जी खाता खुलवाकर इनका उपयोग महादेव ऑनलाइन सट्टा के पैनल में कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से लैपटॉप, मोबाइल, चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। महादेव बुक ऐप पर अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके बड़े हैंडलर नसीमुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पिछले 3 महीने में उनके द्वारा 12 पैनल आईडी जो है वो बेचे गए थे, जबकि 3 पैनल आईडी वो खुद चला रहा था। पंजाब, इंदौर, नागपुर में रहकर उसके द्वारा पैनल चलाए जा रहे थे। उसके पत्नी के अकाउंट में केवल 2 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है। 9 पासबुक में 6 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांजेक्शन पाया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि वो सीधा सौरभ चंद्राकर जो मास्टरमाइंड है उनके साथ बातचीत करते थे। उन्हीं के बताने पर उनके चाचा दिलीप चंद्राकर से वो आईडी खरीदा करते थे और आईडी बेचा करते थे।